हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो होने वाली हमारी इस रेंज रोवर विलार कार के ऊपर, जो कि यार नोदन कार आ जाती है। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले यार आपने यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम जल्दी जल्दी इसकी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में आप देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिल जाता है। वैसे यार इसका मैं एक स्केल रेशियो बता देता हूँ। इसका स्केल रेशियो आता है 1:18 का स्केल रेशियो आ जाता है, और ये पूरी यार रेडियो कंट्रोल होने वाली है। तो यहाँ से हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं, काट देते हैं हमारे कटर की सहायता से टेप को, कट 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 कट, चलो कट गई। और यहाँ से अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही शानदार देखने को मिलती है कार भाई। ओ माय गॉड, देखो ब्लैक कलर में कितनी शानदार लग रही। और यार कमेंट में आप जरूर बताना आपकी जो कार है वो कौन से कलर में आपको ज्यादा फेवरेट है। आपको ब्लैक कलर में फेवरेट है या रेड कलर में या फिर व्हाइट कलर में आपको ज्यादा पसंद है? तो आपके ऊपर ये भी बता देना है आपके पास या कोई कार है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि काम करता है यार 27 MHz की फ्रिक्वेंसी पर। वो इतना बड़ा इसका स्टील वाला एक एंटीना भी देखने को मिल जाता है। और ये इसका फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, लेफ्ट राइट का दो बटन देखने को मिल जाते हैं, और पीछे लग जाती है दो डबल ए बैटरी। चलो रिमोट को साइड में रखते हैं, फिर आते हैं हमारी मॉडल कार के ऊपर, जो भी है रेंज रोवर विलार। देखो यार इसका लुक, देखो लुक कितना शानदार ब्लैक कलर में। आगे हमें हेडलाइट देखने को मिल जाती है और ग्रिल देखने को मिल जाती है, और साथ में ऊपर देखो ऊपर यार इसका इतना बड़ा सनरूफ देखने को मिल जाता है। वो इंटीरियर देखो, अंदर से पूरा इंटीरियर पूरा क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर इसके हम यार टायर की बात करें तो एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, और ये आते हैं प्लास्टिक के, और ऊपर जी ये है ना रबर का पूरा कवरअप किया गया है ताकि हमारी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बने और पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और यहाँ पर लग जाती है, इसमें हमें लगभग लगने वाली है 4 AA बैटरी लगने वाली है। इस प्रकार से हम इसको खोल देते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 4 AA बैटरी लगने वाली है। और ये है इसका ऑन ऑफ का स्विच। तो गाइस काफ़ी शानदार होने वाली है आज की हमारी कार। और पीछे देखो यार 4 एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट होने वाली है, और यहाँ पर ब्रेक लाइट होने वाली है, यानी पीछे जो लाइट होती है वो होने वाली है। तो गाइस यार इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें कितनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाती है। और बॉय देखो यहाँ पर हमें यार इसके जो पीछे का जो देखने का मिरर होता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसकी हम जल्दी जल्दी से एक बार इसके अंदर बैटरी डाल देते हैं और फिर इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस यार हमारी कार के अंदर हम यहाँ से बैटरी डाल देते हैं। वाह भाई वाह, इसके अंदर लगती है 4 AA बैटरी। तो हम जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये हमें मिल जाती है ऑफलाइन मार्केट में 700 रुपये में, और इसे अगर ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन यह हमें थोड़ी बहुत ही महंगी मिल सकती है, वो हमें उसकी पूरी अभी रेट की पता नहीं है। तो अगर मुझे इसकी लिंक मिल जाएगी तो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलती है। देखो हार्ड प्लास्टिक का इसका यूज किया गया, और पूरी हूबहू इसे मॉडल कार का बनाया गया, जैसे रेंज रोवर कार होती है उसका मॉडल देने का प्रयास किया गया। स्विच को ऑन करते हैं और फिर देखो इसकी स्पीड। ओ माय गॉड, रिमोट देखो, ओ माय गॉड कितने खतरनाक होंगे व्हील ये आगे लेफ्ट राइट के। वो उधर यहाँ से देखते हैं, वो गिरी, बच गई बच गई बच गई। चलो इनको साइड में रख देते हैं एक बार और फिर इसको चलाते हैं, देखना इसकी स्पीड। वो ब्रेक कितने पावरफुल लगते हैं, वो ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी। नीचे गिरने के बाद भी इसके एक भी क्रैश नहीं आया, सिर्फ ये मिट्टी लग चुकी है, यानी गारा लग चुका है। हमारे गांव में गारा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में जो बता रहा है। वो देख सकते हो, वो यार हमारी रेंज रोवर का टेस्ट करते हो, देखते हैं इसके अंदर में कितनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाती है। ओ माय गॉड, देखो भाई काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, इसके व्हील कितने खतरनाक घूम रहे हैं। देखो इसमें दिख ही नहीं रहे, इतने तेज घूम रहे। तो चलो इसका टेस्ट करते हैं, नीचे ज़मीन पर टेस्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ओ माय गॉड, लेट्स गो, काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। वो इतने खतरनाक घूमती है, गिफ्ट मार रही जैसे। अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल ये मॉडल कार है। ओ माय, क्या घूमती है भाई, गोल गोल गोल। ओ डिंग, वो देखो धूल उड़ा दी, धूल उड़ा दी, धूल उड़ा दी।
तो गाइस यार अब हमारे टेस्ट करें हमारी गाड़ी का रिमोट कंट्रोल, तो देखते हैं इसके अंदर में किस प्रकार का कंट्रोल देखना मिलता है। तो देखिए काफ़ी शानदार चल रही है वो, दो क्या घूमती है भाई देखो, वो स्लीपी वो देख सकते हो, और इसे घूमने के लिए बिल्कुल कम स्पेस की जरूरत पड़ती है देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिलती है इसके अंदर। तो गाइस इसकी स्पीड टेस्ट करें और देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड देखने को मिल रही है। वो भाई क्या चल रही है, वो लग्जरी यार, वो लगभग लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है। वो पलटी खा जाता अभी तुम्हें, क्या घूम रही भाई, बिल्कुल लग्जरी घूम रही है। वाह भाई वाह, बिल्कुल रेंज रोवर जैसे चल रही है। बस यार ये ऑफ रोड करने में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, इसलिए ये ऑफ रोड नहीं कर पाई। भाई यार रोड पर काफ़ी खतरनाक चल रही है, यदि आपके घर पर बस हुआ ना तो इस पर तो काफ़ी खतरनाक स्पीड देखनी होती है, तो एकदम से नीचे छलांग लगा गई। तो गाइस यार हमारी कार की अभी रेंज टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं इसके अंदर में कितनी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। ओ तो देख सकते हो भाई क्या चल रही है हमारी कार, ओ देख सकते हो ये लगभग जा चुकी है 20 से 25 फीट, देख सकते हो वहाँ तक चली गई है हमारी कार। वाह देख सकते हो इतनी दूर जा चुकी है, ओ माय गॉड देख सकते हो इतनी दूर, ओ काफ़ी शानदार, और अभी तक चली जा रही चली जा रही। और यार इसके अंदर यार यदि रिमोट कंट्रोल है ना 2.4 GHz का होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, देख सकते हो तो हमारी कार ही नहीं दिखा दे दे रही है इतनी दूर चली गई है। अब हमारी रेंज रोवर कार का इस प्रकार से है मिट्टी में टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसी चलती है। वो देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी खतरनाक चल रही है, स्पीड काफ़ी शानदार है इस, यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी आती है उससे तो ज़्यादा ही आ रही है देख सकते हो। वो तो जितनी इसे उम्मीद की जा सकती है उससे तो ज़्यादा ही चल रही है भाई। यार देखो जो रियल में कार होती ना उनके जिस प्रकार से डस्ट जम जाती है वैसी वैसी इसके ऊपर भी डस्ट जम चुकी है। ओहो क्या बात है, व्हील खतरनाक कितने ज़्यादा खतरनाक घूमते, देखो जैसे स्लिप होते हैं वैसे वैसे। वो चल रही तो ऐसे लग रही बिल्कुल जैसे रेंज रोवर कार चल रही हो। वो देखो चारों तरफ से देखो इसका लुक कितना शानदार लगता है, मुझे तो यार सबसे ज़्यादा इसका लुक ही अच्छा लगा। वो देख सकते हो, और कमेंट में जो बताना यार आपकी कौन सी कार फेवरेट है, रेंज रोवर टोयोटा यानी फॉर्चूनर कौन सी भी जैसी भी कार पसंद हो कमेंट में जरूर बताना।